हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवर मोर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस, जो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कि जो इंग्लिश ग्रामर की रूट है, इंग्लिश ग्रामर का हार्ट पीस को बोल सकते हैं। आजकल भी ये टॉपिक एक ऐसी समस्या बना हुआ है कि जब भी टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते। हम लोग इंग्लिश बोलना सीख तो जाते हैं, लेकिन बहुत बार उनको फ्रेम करके सेंटेंस में डालने में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश ग्रामर के बेसिक और इंग्लिश ग्रामर के मेन टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कम्प्लीटनेस। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है उस समय का जो है हमें बोध करवाता है, ज्ञान करवाता है, जब कोई कार्य किया जाता है। द टाइम ऑफ एन एक्शन, जब कोई एक्शन जो लिया जाता है, मेन जो है टाइम ऑफ एन एक्शन, जब भी जिस समय जो कार्य किया गया और जिस समय जो है इसको कंप्लीट किया गया, पूरा करने की स्थिति में जब ये काम आया, तो उसको जो है हम टेंसेस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस का मतलब ही होता है काल, समय। तो जब भी कोई काम हो रहा है, वो कब पूरा हुआ, कब उसको किया गया, कब वो काम जो है स्टार्ट किया गया, इस सब की जानकारी जो है हमें टेंसेस देते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मीन्स टाइम। ठीक है, टेंस उस समय का हमें बोध करवाता है जब कोई कार्य कर रहा होता है, या जब कोई एक्शन होता है, या कोई काम हो रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस का मतलब है टाइम, ठीक है, समय। तो अब जो हम करेंगे टेंसेस के जो है पार्ट्स करेंगे, कि हमारे टेंसेस जो हैं कितने, इसके पार्ट्स होते हैं और टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, इसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है। एक एक का मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके हर एक पार्ट को बिल्कुल डीपली आपको समझाऊँगी। ठीक है, फिलहाल टेंसेस के हम करते हैं कि टेंसेस होते कितने टाइप के हैं। तो टेंसेस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तो पहला टेंस कौन सा होता है? उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और टेंस का जो दूसरा पार्ट है वो होता है पास्ट टेंस, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। और उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस, और उसको हम बोलते हैं भविष्यकाल। इनको जो है वन बाय वन जो है इनको पढ़ेंगे आगे, कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। ठीक है, ये तो टाइप आ गए इनके, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार दोबारा से नज़र मारते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस ही एक ऐसा तरीका है जो टाइम को रेफर करने के काम आता है। टेंस ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जो है थ्रू आउट है, जिससे जो है हम किसी काम को करने का बताते हैं कि कब हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो है हम इसका कर रहे थे तीन टेंसेस के बारे में। तो वो जो तीन तीन टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है हमारा? प्रेजेंट टेंस वो होता है जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट, इन प्रेजेंट, इस समय हम जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। और उसके बाद आता है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है हमारा? है जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो टाइम हमारा बीत चुका है, जो हो चुका, भाई हमने ये कर लिया है, ये हम कर चुके हैं, ये आपका पास्ट टेंस में चला गया। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का क्या मतलब होता है? जो टाइम आने वाला है, है तीनों टाइम से रिलेटेड, जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो टाइम बीत चुका है पास्ट टेंस, और फ्यूचर जो आने वाला है, जो कल हमारा आने वाला है, वो फ्यूचर टेंस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ टेंसेस। अब ये जो हमने पीछे जो तीन टेंसेस किए, इसमें से जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो रहा हमारा, अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे कि इन टेंस के आगे जो है वो टाइप्स कितने होते हैं। वो चार चार टाइप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है इनडेफिनेट। हर एक टेंस का, प्रेजेंट का भी यही होगा, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, हर एक टेंस के जो है फोर पार्ट्स होते हैं, फोर पिलर्स होते हैं। ठीक है, पहला आएगा आपका इनडेफिनेट टेंस। ठीक है,
इसका क्या मतलब होता है इनडेफिनेट, इसमें एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। इसमें मतलब किसी काम को जो है हम मतलब डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं कि ये काम ये होना ही होना है, इस काम ये ऐसा है तो ऐसा है, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनेट टेंस है। इसमें एक्शन की स्थिति जो है निश्चित नहीं की गई है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टेंस आता है वो आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस का इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है इससे हमें ये पता चलता है कि कार्य हो रहा है, मतलब कोई भी काम है ये चल रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, वह सो रहा है, मतलब कोई भी काम चल रहा है इस टाइम, इन दिस टाइम जो भी एक्शन हो रहा है उसको हम कंटिन्यूअस में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारा वो आता है परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। इसमें क्या होता है कि कोई काम खत्म हो चुका है, हम खाना खा चुके हैं, हम खेल चुके हैं, राम फुटबॉल खेल चुका है, राम ने पढ़ाई कर ली है, मतलब वो पढ़ाई कर चुका है, कोई भी कार्य की समाप्ति का बोध किया जाता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमें ये ज्ञान होता है कि कार्य पहले से ही जारी है परंतु अभी भी उसका कुछ भाग शेष रहता है, मतलब कोई भी काम हमारा हो रहा है पर अभी भी वो चल रहा है, उसका जो कुछ पार्ट है वो चल रहा है। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम पहले से ही खेल रहा है, खेल तो वो पहले से ही रहा है लेकिन अभी भी खेल ही रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है पर अभी भी खेलता ही जा रहा है, अभी उसने बंद नहीं किया है खेलना। इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो फर्स्ट आएगा वो इंडेफिनेट आ गया, सेकेंड जो है वो कंटिन्यूअस आ गया, और थर्ड जो है वो परफेक्ट आ गया, और फोर्थ जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। तो इनको आपने ऐसे ही सीक्वेंस वाइज सिस्टम वाइज लर्न कर लेना है। तो हर एक टेंस के 4 ही टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम एक चार्ट देखेंगे, उसमें ये आपको बताएंगे कि ये चार्ट क्या है। इसमें जो है मैंने सिंपली एक मेंशन किया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये टेंसेज है। पहला आ गया आपका प्रेजेंट टेंस, ये आ गया पास्ट टेंस, और ये आ गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। इनमें जो है तीनों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, और इसके देखो ये बता दिया कि इनडेफिनेट भी सब में आएगा, कंटिन्यूअस भी सब में आएगा, परफेक्ट भी सब में आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सब में आएगा। तो इसमें जो है पहले में जो आएगा तो प्रेजेंट इनडेफिनेट बन गया, तो दूसरा बन गया इनडेफिनेट जोड़ के पास्ट इनडेफिनेट, तीसरा बन गया फ्यूचर इनडेफिनेट। कंटिन्यूअस आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार्ट आपने एज इट इज़ पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब जो है हम एक टेबल को स्टडी करेंगे जिसमें मैंने एक वर्ब, एक वर्ड लिया हुआ है गो, जिसको जो एक वर्ब है उसको, जो गो का मतलब होता है जाना, उसी से रिलेटेड एक मैंने टेबल बना रखा है, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा जो है टेंस कहाँ पे किस टाइम लगेगा। बाकी डिटेल में तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ही, फिलहाल ये आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए है, ठीक है। इसमें आ गया आपका टेंस में आ गया इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा उसमें सिंपल बनेगा आई गो, कंटिन्यूअस में बनेगा आई एम गोइंग, और परफेक्ट में बनेगा आई हैव गॉन, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा आई हैव बीन गोइंग। जब पास्ट टेंस चलेगा तो बन जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वेंट, कंटिन्यूअस में आई वाज गोइंग, ऊपर आई एम गोइंग, नीचे आई वाज गोइंग, और थर्ड में आ जाएगा आई हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, फिलहाल ये आपकी एक लाइट सी जानकारी के लिए। और नेक्स्ट में आएगा आई हैड बीन गोइंग, फ्यूचर में आ जाएगा आई शैल या आई विल गो, आई विल या आई शैल बी गोइंग, और आई हैव, आई विल हैव गॉन, और आई विल हैव बीन गोइंग, ठीक है। तो अब जो है हमारा फर्स्ट जो आता है पार्ट हमारा प्रेजेंट टेंस। तो पहले जो प्रेजेंट टेंस में आएगा वो आएगा देखो इंडेफिनेट टेंस, दूसरा जो इसका पार्ट आएगा वो आएगा कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो इसका पार्ट आएगा वो आएगा आपका परफेक्ट टेंस, और चौथा जो आ गया वो क्या हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की जानकारी अभी हम यहीं तक पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।